से आंसू गिर रहे हैं। लकियों जैसा गोलगप्पे खाने में आपको कितना अच्छा लगता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉगिंग कुछ इस तरह, तो मेरी तबीयत हो गई है ख़राब, क्योंकि कल के व्लॉग में आपने देखा होगा मैं स्कूटी से जा रही थी पार्टी में, तो फिर मेरी तब हवा लग गया और तबीयत ख़राब हो गया, तो मैं जा रही स्कूटी से, और मुझे स्कूटी से लेकर जा रहे क्योंकि ठंड लग जाए। देखो कैसे आंसू गिर रहे हैं और ठंड में फोन इनको पेट्रोल भरवाना होगा आज भी नहीं, नहीं आते वक्त। इनको मेरी टेंशन नहीं है, इनको फोन की टेंशन है। अब मैं हेलमेट जो पहन रखती हूँ वो मेरा हेलमेट पूरा टूट गया है। ये खुद को अच्छा हेलमेट पहन रखा है। पूरा सर में हवा लगाती है यार, तो भी पहनू, पूरा पैक होकर आई थी मैं, सब उड़ गया। टूट जाएगा, मैं डॉक्टर को दिखा ली हूँ और डॉक्टर को दिखाने के बाद मेडिकल आई हूँ दवाई लेने के लिए। तो डॉक्टर को दिखाने का व्लॉग तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं तो चेकअप करवा दिखा रही थी, डॉक्टर को चेकअप करवा रही थी, बता रही थी क्या क्या हो रहा, और ये तो करेंगे नहीं व्लॉगिंग, तो मेरा नहीं हुआ। तो अभी मैं मेडिकल आई हूँ दवाई लेने के लिए, ऐसा दवाई लेके जाती हूँ और फिर कुछ खा कर नाश्ता, कुछ खाने के बाद थोड़ा दवाई खाऊँगी। तो ये पहले यहाँ से निकलती हूँ मैं, फिर सोच रही हूँ कि रास्ते में देखती हूँ कुछ और खाती हूँ, फिर दवाई खाऊँगी। तो मैं जा रही थी घर, तो मुझे कुछ चटपटा खाने का मन किया, तो देखो क्या खाने आई हूँ मैं, गोल गप्पे। वो तो पापड़ी देखकर आपको पता चल गया होगा, तो मैं आई हूँ गोल गप्पे खाने, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना, इसका टेस्ट है हमारे बिहार साइड का, मतलब धनबाद में जहाँ मैं खा रहती थी तो उधर के साइड का टेस्ट है। तो मैं इसका जब भी आती हूँ मैं इधर से ये गोलगप्पे खाकर जाती हूँ, क्योंकि ये बनाने वाला लड़का भी उधर का ही है। तो अब मैं दोना लेके स्टार्ट हो गई, मैं बोली आज मैं गोलगप्पे खाऊंगी, उसके बाद गोलगप्पे खाकर मैं दवाई खाऊंगी। पर गोलगप्पे मेरे को खिला दे, ये कह भी रहे कुछ खाना खा लो खाना, मैंने बोले नहीं मुझे गोलगप्पे खाना, गोलगप्पे वाला मुझे देख रहा, क्योंकि ये भी जानता है बहुत दिन से, मतलब आज से नहीं बहुत स्टार्टिंग से ही है, अब यहाँ पर डेली आते खाने के लिए। तो चलो, तो मुझे देखकर ये भी स्टार्ट हो गए हैं खाने के लिए गोलगप्पे, और ये भी खा रहे हैं। अभी तो मैं इनको खाने दूंगी, पर जब स्कूटी पे बैठूंगी ना तब इनको बताऊंगी कि इनको गोलगप्पे खाने में कितना मज़ा आता है। इनको तो ऐसे मिर्च लगता है, पर इन्होंने अपने लिए आलू अलग से बनवाया है बिना मिर्च का, और ये फिर खाएँगे। तो ये अभी इनका स्टार्ट हो रहा है बिना आलू का गोलगप्पे, क्योंकि एक ये मेरा खा के देखे थे तो मिर्च लगा था, अब इन्होंने अपने लिए प्लेन बनवाया है, उसके बाद एक का हो गया ना आलू का। हो गया आपका, कितना अच्छा लग रहा है।
हो गया आलू खत्म हो गया भैया, पापड़ी दे दो मुझे। मिर्च मत डालना। चलो, बहुत मिर्च है। ये ले लेना यार। खाए तो मैंने कुछ नहीं बोला, पर लड़कियों जैसा गोलगप्पे खाने में आपको कितना अच्छा लगता है? तो मैं घर आ गई हूँ और घर आकर अपने काम में लग गई हूँ मैं। और हमारा काम क्या है? घर में आओ, बाहर सर तुरंत पर्स रखो और काम में लग जाओ, यही काम रह गया है। तो अभी हो गया है शाम और बच्चों को मुझे खाना भी देना है। अभी पहले मैंने दूध चढ़ा दी, इधर बर्तन सब धो रही हूँ, फिर रसोई साफ करके फिर रोटी बनाऊँगी। और पालक पनीर था सुबह का, तो मॉर्निंग में मैंने पालक पनीर बनाया था, उसके साथ खाना दूंगी। तो अभी पहले मेरा रसोई और पहले बर्तन वर्तन बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं छोड़कर चली गई थी। ये तो कह भी रहे थे कि मैं बर्तन धो देता हूँ, पर मैं ही मना कर रही थी कि नहीं नहीं आप मत धो। तो ये नीचे अपना गाड़ी धोने लगे और गैरेज वैरेज धोने लगे, अब मैं बर्तन धो रही। अब दीवान से मुझे आकर देखकर हंस रहा कि मम्मा आपकी तबीयत ख़राब है, रहने दो। पर मैं बोली नहीं बेटा, तबीयत ख़राब रहे चाहे कुछ भी रहे, बर्तन तो धोना ही है, अपने आप से ही खुद काम करेगा। तो दीवान को मैंने चढ़ाया, कौन काम कर देगा, आप काम वाली लगवा दो। तो दीवान से बोलता है ना, हाँ जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना तो मैंने आपके लिए काम वाली लगवा दूँगा, मैं जब मैं बड़ा होकर जॉब करूँगा। तो अभी मेरा हो रहा है बर्तन। चलो मैं पूरा पहले बर्तन धो लेती हूँ दीपांश के साथ टाइम पास कर करके। तो ये आकर फिर चप्पल उप्पल पहने और फिर नीचे चले गए। अभी बोल रहे आता हूँ मैं बाहर से। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मेरा भी बर्तन वर्तन धुलने के बाद मैं भी दवाई खाऊंगी। दवाई वाई खा के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो बहुत हो गया थकावट आज के लिए, बस इतना ही। बाय। और आप सब कमेंट करके जरूर बताना कि आपका तबीयत खराब होता तो आपका घर का काम कौन करता है और कोई मदद करता है नहीं, जैसे कि आपके हस्बैंड।